हेलो दोस्तों, मैं अभी हूँ मलकापुर कोर्ट में और अभी मैं हूँ एडवोकेट महादेव सिंह चंद्र सिंह रावल सर के साथ। ही इज़ अ सीनियर मोस्ट एडवोकेट ऑफ मलकापुर कोर्ट। उनकी जो सनद है वो उनको दी गई थी 3 जून 1968 को और उनका जो नंबर है वो है 445/68। ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका। आज के दिन तक 54 ईयर्स का एक्टिव प्रैक्टिस सर का हुआ है। तो हम सर से जानकारी लेंगे, ये पूरा जो जर्नी है सर का, वो किस तरह से प्रोफेशन में आए, कहाँ पढ़े, कहाँ उनके सीनियर्स थे, कहाँ प्रैक्टिस शुरू की, ये सब जानकारी हम सर से लेंगे। तो सबसे पहले तो रावल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप ने हमें समय दिया। और क्योंकि आप जो जानकारी देंगे ये एक तरह का टॉर्च होगा आने वाले पीढ़ी को। तो सर पहले से बताइए कि आप ये प्रोफेशन में कैसे आए और क्या क्या हुआ इसमें। प्रोफेशन में तो तारीख तो मालूम ही है आपको। हाँ जी, बताई दी। मैं जब प्रोफेशन में आया तो यहाँ पुरानी बिल्डिंग थी, निज़ाम की बनी है, निज़ाम का पूरा बिरार एरिया था, वो उनके ताबे में था। तो उनकी बनाई हुई बिल्डिंग थी, पत्थर की बिल्डिंग थी, मॉन्यूमेंट टाइप। तो बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। हर कोई चाहता था मलकापुर में कि वकील बन के। यादव साहब ने अभी बताया 11 एकड़ का एरिया है। वैसा शायद महाराष्ट्र में इतना एरिया किसका नहीं है। नागपुर हाईकोर्ट का है, बॉम्बे का होगा। 11 एकड़ तो नहीं, नहीं है, नहीं है। तो इसलिए अभिमान भी है। और सबसे पहली बात तो मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन तक नागपुर में हुआ। अच्छा, बाद में बॉम्बे में हुआ। हाँ हाँ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे। अच्छा, तो मैंने पहले प्रिंसिपल थे टीके टोपे। Okay. जो बाद में वाइस चांसलर भी बने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। तो जैसे ही मेरा पहले वहाँ इंटरव्यू होता था गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, मतलब दाखला दिल दाखिले के लिए इंटरव्यू होता था। ओके। तो उन्होंने पहला इंटरव्यू मेरा लिया, बोले कहाँ से आ रहे हैं। बोला मलकापुर बिरार से। अरे बोले, एकदम मराठी में बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, बोले आणखीन कांडे असतील वराळातले मुलं तर घेऊन ये म्हणे। ओके, झाला माझा इंटरव्ह्यू। असे इंटरव्ह्यू ओव्हर, इंटरव्ह्यू ओव्हर, म्हणजे आणखीन घेऊन ये। मग म्हटलं साहेब, इथे फार खर्चाचं काम आहे, इथे गव्हर्नमेंटला कॉलेज हॉस्टेल त्यावेळेस सी रोडला होतं, चर्चगेटला। तब सी रोड पे था। तो फिर दो लड़के लेकर गया मैं, एक पुरोहित सी जे पुरोहित और एक थे महाजन करके, रावेर के थे ऐसे खानदेश के, उनको लेकर गया। बहुत अच्छा वहाँ रहा। अच्छा, तो वहाँ पे सभी सर आपके आए, आप जब थे तो मतलब आप 68 में तो आपको सनद मिली है। तो उस वक्त क्या 3 बरस का कोर्स था, 2 बरस का था? 2 बरस का कोर्स था और 2 साल बार काउंसिल कंपलसरी था हमको, वो इंटर्नशिप करना। इंटर्नशिप करना। अच्छा, तो वो मैंने बुल्ढाना में मेरे सीनियर डीआर भालेराव थे उनके साथ के। अच्छा, और उस समय सर आपको प्रोफेसर करके कौन थे जी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में? गवर्नमेंट ले मिसेस मेकलाय प्रोफेसर थे। अच्छा, और बलसारा प्रोफेसर थे। ओके। बलसारा टॉर्च पढ़ाते थे और आईपीसी पढ़ाते थे। अच्छा, रंगनाथ राव रेगे साहब थे। अच्छा, बाद में प्रिंसिपल बने न्यू लॉ कॉलेज के। न्यू लॉ कॉलेज के रेगे साहब बहुत ही, दोनों मिस्टर एंड मिसेस। अच्छा, आपने अभी कहा मिसेस मैकलॉयड थी आपको? मेकलाय। उस समय में कैसे पढ़ाया जाता था, मतलब क्या सिस्टम क्या था आपके टाइम पे लॉ का? नहीं,
प्रोफेसर सब सब खड़े रह के जैसे आज पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाते थे। एग्जाम पैटर्न में कुछ फर्क था मतलब? नहीं कोई फर्क। ईयरली एग्जाम था तभी? ईयरली एग्जाम था और थ्री मंथली होता था पर उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते थे। अच्छा वो रिवीजन जैसा मतलब एकदम। आपके टाइम पे सर कोई मूट कोर्ट वगैरह था? मूट कोर्ट था। अच्छा मूट कोर्ट इतना इतना जूना चीज है? ओके ओके ओके। तो अभी आपने जो कहा कि आपने फिर बुल्ढाणा में आके आपकी इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप दो बरस के लिए, तो उसके बाद आपको सनद मिली? अच्छा फिर मलकापुर में प्रैक्टिस शुरू की। ओके तो यहाँ पे फिर जब आप आए तो आपने कौन से सीनियर सर को पास गए आप? मेरे सीनियर थे शेम्बेकर जो क्रिमिनल प्रैक्टिस थे, मेरे जो प्रेसिडेंट है विश्वमन साहब उनके भी सीनियर शेम्बेकर ही थे। ओके तो मतलब आप जब भी बार में आए मलकापुर बार में तभी कितने वकील साहब थे बार में? तब 30 होंगे। 30 और सब अबव 80 थे? सब अबव 80 70 80 70 80। ओके हम मैं और भोले साहब अभी वो प्रैक्टिस नहीं करते हम दोनों ही जूनियर थे। अच्छा मतलब और मेरे बाद में 6 महीने के बाद सुंदरानी साहब आए। ओके उस वक्त कैसे कोर्ट कैसे चलता था कितने मतलब नंबर वन तो के क्या ज्यूरिडिक्शन था कितने कोर्टरूम थे इसके बारे में कुछ जानकारी थी? कोर्टरूम 3 कोर्टरूम थे। अच्छा और ये बाजू के बिल्डिंग में भी 3 कोर्टरूम थे और कोर्ट के ऊपर ही जज का बंगला था। ओके उसी बिल्डिंग बॉम्बे टाइप और इधर एक बंगला था। अच्छा ऐसे 2 जजेस रहते थे। तो उस समय के जज का कुछ आपको नाम वगैरह याद है जज साहब के कौन थे जज साहब उस वक्त? दातार साहब थे पहले। अच्छा उनके पिताजी लॉ एंड जुडिशियरी के सेक्रेटरी थे। अच्छा ओके उस वक्त सर किस तरह के दावे चलते थे 68 सिविल और क्रिमिनल? अच्छा सिविल का काम बहुत चलता था। अच्छा सिविल में एग्जैक्टली मतलब किस तरह के डिस्प्यूट मतलब इंटरनल कैटेगरी में कौन से डिस्प्यूट्स है ज़्यादा? खेती के मतलब जैसे बाउंड्रीज के। अच्छा इनक्रोचमेंट बाउंड्रीज और साहूकारी मनी लेंडिंग एक्ट। मनी लेंडिंग तब ये अलग एक्ट नहीं था सिविल में ही आता था। अच्छा 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 तो आपने जब ये शुरू किया यहाँ पे फिर उसके बाद आपने कैसे स्पेशलाइज कैसे करते गए आप? स्पेशलाइज नहीं सिविल और क्रिमिनल दोनों करते गए और हमारे टाइम में तालुका बड़ा होने से ये तालुके बाद में हुए नांदूरा और मोता का तो हमारे तहसील कोर्ट में भी जो चैप्टर केसेस जिसको बोलते हैं वो तहसील कोर्ट में चलते थे। अच्छा और टेनेंसी केसेस बॉम्बे टेनेंसी केसेस और जब सीपी एंड बेरार टेनेंसी लॉ था मध्य प्रदेश का वो भी चलता था। तो मतलब मध्य प्रदेश का एक्ट यहाँ एप्लीकेबल होता था सीपी एंड बेरार का? अच्छा सीपी एंड बेरार पहले मध्य प्रदेश में था। सर उस वक्त आप सब लॉ बुक्स वगैरह कहाँ से लेते थे? लॉ बुक्स वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव आते थे। अच्छा तब से ही आते मतलब 68 से लॉ बुक सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओके 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 और फिर ये कोर्ट को तो आपने आपके आँख के सामने बढ़ते हुए देखा है तो आपके कोई कलीग्स जो आपके साथ जीएलसी में थे उनमें से कोई जुडिशरी में गया हुआ है? बहुत है एओ कुलते हैं अभी वो रिटायर हो गए बाद में चौरे है। अच्छा वो भी रिटायर हो गए। ओके इनके मोरे हैं वो भी रिटायर हो गए। ओके आपकी कभी चाहत हुई कि मैं जेएमएफसी बनूं या मैं जजशिप में जाऊं? नहीं ऐसे आपको कभी? यहाँ काम बहुत था। अच्छा यहाँ पे फिर उस वक्त कौन से ज्यूरिडिक्शन का काम मतलब मैं गांव वाइज पूछ रहा हूँ कि कितने गांव का काम था यहाँ पे? गांव तो करीब 1300 गाँव थे। उतने 1300 गाँव का काम यहाँ पे आता था?
1300 villages और तीन बड़े सिटी थे नांदूरा मलकापुर और मोताला ओके धामनगांव बड़े और आप कि यहाँ जैसे आपने एक बार को आगे बढ़ते देखा आपके यहाँ ऐसे कोई जूनियर ज्वाइन हुए और फिर वो एलिवेट होके फिर जुडिशरी में गए ये सब जूनियर के ही नाम ले रहा हूँ मैं ओके ओके बोल मेरे ये सब जूनियर अच्छा 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 ये फंडामेंटली यही प्रैक्टिस करते थे सब ओके 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 सर अभी इतनी लंबी प्रैक्टिस है तो जाहिर है कि कोई ना कोई किस्सा कोई ना कोई इंसिडेंस तो आपके पास पक्का रहेगा तो कुछ अगर कोई भी एक जो इंसिडेंस इतनी बड़ी प्रैक्टिस में एक दो हादसे तो आदमी को दिमाग में रहते ही हैं मे बी गुड मे बी बैड जो भी है नहीं गुड़ की गुड़ ही बताऊंगा हाँ तो बताइए ना तो वही हम आपसे सुनना चाहेंगे कि ऐसे कोई चीज़ें जो अभी आज भी आपको डिस्टिंक्टली याद है कि अरे ऐसा हुआ था ऐसा कुछ बताइए सर ऐसा है कि जब दातार साहब थे तो फर्स्ट कोर्ट वो थे और सेकंड कोर्ट सोनटेक के थे ही वॉज शेड्यूल कास्ट और दातार साहब ब्राह्मी पर दोनों साथ में रहते थे अच्छा मेरे को उस वक्त बहुत अच्छा लगता था ओके सोनटेक के तुम्हारा आठवत माई टाइम और सर आपके कोई मतलब ये तो आपने एक अच्छी चीज़ बोली दैट नो जिस चीज़ के लिए हम कई बरसों से झगड़ रहे उसका लाइव एग्जांपल ही है ये बट आपकी कोई ऐसी केस सिविल की या क्रिमिनल की जो आपको याद रही उसके कोई किस्से मुझे चाहिए मे बी कोई ट्रायल मे बी जो भी है बट समथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल के केसेस तो बहुत है और यहाँ पहले हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे पहले अभी तो बंद हो गए यानी ये 40 साल में हुए ही नहीं तो उस वक्त के केसेस हैं तो तीनों भाई जो झूठे केसेस हुए थे तो उनके किस्से याद है वो बताइए ना सर बोले नाम नहीं लो आप लेकिन किस्से तो हमको सुनने दो तो वो बहुत बड़े हस्ती थे यहाँ अच्छा सिनेमा टाकीज वगैरह थे उनके उनके केसेस अच्छा और सिविल में कोई ऐसा किस्सा कि एक हाथ कोई दावा आपको मतलब कोई डिफिकल्ट दावा लगा हो या आपको ड्राफ्टिंग करते समय थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ हो ऐसा कोई एक हाथ दावा बारे में कुछ बताएंगे सिविल में क्या सिविल में से ही क्रिमिनल निकलते थे झगड़े होते थे बाउंड्री के उसमें से वैसे ही ऐसा अभी पर्टिकुलरली याद नहीं है ओके अभी जब ये नया कोर्ट कैसे बना ये जो प्रेजेंट हमारा कोर्ट है क्योंकि कई इसके लिए देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल ऐसा मुझे सुनने को आया है और आपका काफ़ी योगदान है ये भी मैंने सुना है तो उसके बारे में कुछ बताइए नहीं वो तो सब लोगों का बड़प्पन है वैसा आप ही आप होता गया वो अच्छा आपको वो तो मैं नाम नहीं लूँगा पर सब सब मेंबर्स के और ये जो बिल्डिंग बनी है तब हमारे जूनियर्स ने बिल्कुल वहाँ जाके मुकरदम जैसे काम किया अच्छा कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए अच्छा मैं नाम लेता हूँ तांदुलकर बापक इदलाबाद कर ये तीनों जाते थे अच्छा और बिल्डिंग का पूरा अजय सुपरवाइजर करके देखते थे पूरा ओके और कॉन्ट्रैक्टर हमारे यहाँ के ही थे यानी फिर वो हमारे दोस्त ही थे सोमन साहब के दोस्त थे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है ओके सर अभी आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि एक 54 इयर्स पहले का कोर्ट उसका फंक्शनिंग और 54 इयर्स बाद का कोर्ट इसके फंक्शनिंग तो में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है फंक्शनिंग में वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है पर अब यहाँ सेशंस कोर्ट आ गए हैं आपने अभी जाधव साहब ने बताया कोऑपरेटिव कोर्ट वगैरह सब उसको का आपने बताया वो भी यहाँ चलते हैं तो वैसा कोई वर्किंग में जजेस की वर्किंग में कोई फर्क नहीं तो आपके समय आप सेशन कोर्ट के लिए या सेशन ट्रायल के लिए कहाँ जाते थे बुल्ढाना और खमगांव
हमारा यानी यानी हंसने की बात है, हमको मराठी में बोलते थे दोन नवरे आहेत तुम्हाला, एक बुलढाणा आणि एक खामगाव. तो मोताळा तालुका के लिए और मलकापुर तालुका के लिए बुलढाणा, और नांदूरा तालुका के लिए खामगाव. अच्छा, तो दो अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था. तो उस समय आपका फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा था? बुलढाणा. बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलढाणा था. अच्छा. नांदूरा खामगाँव को दिया था. ओके. सेशंस कोर्ट कुछ खामगाँव में था. अच्छा. बुलढाणा. आप फिर उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपीयर होते थे? बुलढाणा में अपीयर होता था. या सिविल क्रिमिनल कौन से मैटर? क्रिमिनल मैटर में ज़्यादा. अच्छा. तब बुलढाणा कोर्ट की लगभग क्या संख्या थी, मतलब वकीलों की संख्या क्या थी? तब 60 होंगे. अच्छा, मतलब लगभग आपसे डबल. आपके यहाँ 30 थे तो वहाँ डबल हो गए, 60 हो गए वहाँ के. ओके. एक चीज़ आपको मैं कहूँगा कि एक क्या आप एक संदेश देना चाहोगे अपकमिंग लॉयर्स एज वेल एज जो आज हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है जिसको नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, और आपको यहाँ आने के बाद मालूम पड़ता है कि आप लोगों के कितने काम में आ सकते हैं. बाहर आप जो लोगों के लिए कर सकते, वैसा यहाँ आने के बाद आपको सुकून, समाधान, सेटिस्फैक्शन मिलता है. सुकून मिलता है. सुकून जिसको बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में. तो यहाँ जो अपने से खुश होकर जाता है वो बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन सेट मिलता है, मतलब एक तरह के समाज सेवा भी हो जाती है. समाज सेवा भी. तो रावल सर, आपने हमें समय दिया, और हमारा ये सौभाग्य भी है कि एक 54 ईयर्स की जिनकी बहुत लंबी प्रैक्टिस है, एंड दैट टू फ्रॉम द डे वन ऑफ मलकापुर टिल टुडे, उनसे हमें मिलने का मौका मिला, आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और आपने अच्छी चीज़ें बताई. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.